मुंबई इंडियंस का पांचवी बार आईपीएल जीतना तय, दिल्ली पर जीत से बना गजब संयोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आईपीएल 2020 को भी मुंबई इंडियंस ही जीतने वाली है। हम आपको पूरी सबूत के साथ बताएंगे कि आखिर कैसे मुंबई इस बार का आईपीएल फाइनल जीतेगी, लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं चेन्नई के बाहर होने से अब मुंबई इंडियंस आईपीएल 2020 का फाइनल मुकाबला जीते, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2020 में सबसे पहले प्लेऑफ में जगह बनाने वाली मुंबई इंडियंस ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स पर भी बड़ी जीत हासिल की। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हरा दिया और इस जीत के साथ ही उसने अंक तालिका में 18 पॉइंट्स जुटा लिए। दोस्तों, मुंबई इंडियंस अब 18 अंकों के साथ टॉप 2 में ही रहेगी, मतलब इस सीजन में मुंबई इंडियंस क्वालिफायर 1 में ही खेलेगी। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस का क्वालिफायर में पहुंचना कोई मजाक की बात नहीं है। बता दें, मुंबई इंडियंस ने जब जब क्वालिफायर 1 खेला है वो हमेशा आईपीएल ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही है। मुंबई इंडियंस ने साल 2013, 2015, 2017 और 2019 में भी क्वालिफायर 1 खेला था और इन चारों ही सालों में उसने आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी। अब इस बार भी मुंबई की टीम क्वालिफायर 1 खेलने वाली है, तो ऐसे में क्या एक बार फिर ये टीम चैंपियन बनने वाली है? वैसे दोस्तों, मुंबई इंडियंस इस साल भी आईपीएल जीतने की प्रबल दावेदार है। इस सीजन में मुंबई के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ने बेहतरीन खेल दिखाया है। गजब की बात ये है कि मुंबई इंडियंस के अनकैप्ड खिलाड़ी जो इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं, वे भी गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह 23 विकेट लेकर विकेटों के शिखर पर हैं, तो वहीं ट्रेंट बोल्ट ने भी 13 मैचों में 20 विकेट झटके हैं। बल्लेबाजों की बात करें तो डिकॉक ने सबसे ज्यादा 418 रन बनाए हैं, ईशान किशन भी 395 और सूर्यकुमार यादव 374 रन बना चुके हैं। तो ऐसे में मुंबई अपने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के दम पर आईपीएल जीत सकती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या मुंबई इंडियंस एक बार फिर चैंपियंस बन सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।